नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव इंडिया। न्यूज लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। इस समय पहुंचे मऊ जिला बलराम ब्लॉक के अंतर्गत प्यारा अच्छा गांव नदवा सराय में पहुंचे हैं, जहां के आप प्रधान जनाब शमशाद बाबा के नाम से लोग जानते हैं, पहचानते हैं। ये पर्चे के मोहताज नहीं है, इनके सुपुत्र नूरुद्दीन खान प्रधान प्रतिनिधि जी से लाइव बात कराएंगे। आप बताएंगे सरकार की योजना कौन सी चल रही है, कौन सरकार की योजना आपने अपने धरातल अपने गांव में बिखेरे हैं, बनाए हैं, आप बताएंगे नूरुद्दीन खान प्रधान प्रतिनिधि जी। नाम बताएंगे सर? हाँ सर, मेरा नाम नूरुद्दीन खान है जी। ग्राम प्रधान अनुसार खान पुत्र नूरुद्दीन खान जी। और जो सरकार की योजना जो मनरेगा द्वारा काम हो रहा है, पहले काम वो मनरेगा से हो रहा है, जो चौदह पंद्रह और इसका है उससे हो रहा है। बाकी हमारे गांव में जो है स्वच्छ ओडीएफ में आया हुआ है। आप बता रहे हैं मेरा गांव ओडीएफ में आ गया, चैनल के माध्यम से सारी बात आपको अवगत कराते रहे हैं। हाँ, ओडीएफ में आ गया है, जो भी ओडीएफ का योजना है वो तो कराने हैं। अब बाकी काम का रहा तो 14-15 महीना में हमने काम काफी अच्छा करा लिया है, जैसे कि नाली है, नाली का समस्या, खंडिया का समस्या, और जो लोगों को शौचालय वगैरह और विद्यालय का जो है कार्यक्रम वगैरह सब कुछ बिल्कुल अच्छे तरीके से। जनाब ये एक बात चैनल के माध्यम से बता दें कि जो ये सरकार की योजना चल रही है तेजी से, ये वृक्षारोपण, इसका तात्पर्य क्या है, सरकार क्यों इतना जोर लगाई है वृक्षारोपण पौधा लगाने के लिए? देखिए वृक्षारोपण की जो बात है वो जैसे कि अब लोग पेड़ पौधे काट रहे हैं तो सरकार उस पर ज्यादा फोकस किया है, ज्यादा पेड़ पौधा लगाया जाए, लोगों को जो ऑक्सीजन वगैरह में जो प्रॉब्लम हो रही है, बारिश ना होने के कारण, जिस तरह इसके लिए सरकार सोच रहे इसे थोड़ा किफायत हो जाए। आप नूरुद्दीन खान जी का आप लोग बयान सुने हैं, ये बड़े सटीक कम शब्दों में आपको बड़ी बात बता दी है कि भाई सरकार की योजना जो ये है वृक्षारोपण, इससे पर्यावरण दूषित हो रहा है, लोगों जल और जीवन दोनों पर प्रभाव पड़ रहा है, पेड़ पौधे लग नहीं रहे केवल कट रहे हैं, कटने से आज बरसातें होने में बड़ा दिक्कत होती है, इसलिए जल जमाव नहीं हो रहा है, जल इकट्ठा नहीं हो रहा है, इसलिए जीवन मनुष्य के जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। अब और बताएंगे आप नूरुद्दीन खान साहब। अब देखिए अभी हमारे यहाँ जो है बड़ी खुशी की बात है, अमृत महोत्सव 13-14-15 तो हम लोग बड़े। अच्छा ये अमृत महोत्सव खान साहब, अमृत महोत्सव क्या है? सरकार बड़ा चिल्ला रही है, बता भी रही है, लोग इसको कितना मान जाएंगे ये आप बताएंगे, ये है क्या और लोग इसको मानने के लिए तैयार है कि नहीं? देखिए बिल्कुल मानना चाहिए, मेरे हिसाब से आजादी के 75 साल पूरे हुए हैं तो मानना चाहिए, एक हमारे लिए त्यौहार है। हाँ 15 अगस्त जो हमारे लिए त्यौहार है उसको सारे सारे लोगों को मानना चाहिए, अपने अपने घर पे लोग झंडा लगाएं, जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका सम्मान करें, अपने अपने घर पे लगाएं, ताकि लोगों को मैसेज जाए कि हाँ सारे लोग जो है खुश हैं और इस त्यौहार के रूप में हम 15 अगस्त मनाएं। आप नूरुद्दीन खान जी का ये बयान आप चैनल के माध्यम से सुने हैं और जो भी सुविधाएं हैं अपने मत से भी ये अपने गांव का विकास करने पर तुले हैं, तत्पर है कि मुझे मत मिले न मिले, बाद में मिलेगा जब भी मिलेगा, लेकिन मेरे गांव में जितने भी समस्याएं हैं जितने भी दिक्कतें हैं आप जनाब जी द्वारा कामें कराए जा रहे हैं और बताएंगे और क्या विकास। आने वाले टाइम में जो छोटा छक्का रहेगा वही काम बचा रहेगा, लेकिन मेरे हिसाब से इतना नहीं लग रहा है कि जो भी मेरे पास 3.5 साल है 3.5 सालों में कोई काम छोड़ना। जनाब ये लोग कुछ ग्राम पंचायत के लोग कह रहे हैं कि ये जो मनरेगा काम है, मनरेगा कार्य चल रहा है सरकार का, ये मनरेगा कार्य चल रहा है, कुछ प्रधान जी लोगों का कहना है कि भाई मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, फिर इसमें माथा पच्चीसी दिमाग क्यों चटवाए इस मनरेगा कार्य में, आप क्या कह रहे हैं? देखिए मिलने और ना मिलने वाली बात नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों को रोजगार मिल रहा है, किससे अच्छी कर बात है, मजदूरें अपना काम कर रहे हैं, लोगों को रोजी रोटी मिल जाएगा, 213 रुपये। जनाब जी आप कह रहे हैं मजदूरों को अपने गांव में 100 दिन का मजदूरी मिल रहा है, लेकिन मजदूर कह रहे हैं भाई मुझे 213 रुपया ही मिलना है, फिर मुझे ये काम कराए जाते हैं लेकिन मजदूरियाँ सही से नहीं मिलते हैं, समय से नहीं मिलते, इसके लिए क्या करें? देखिए हम तो अपना कार्य कर देते हैं,
जो भी हमारा ऑन पेपर काम लगता है बिल्कुल कम काम करके दे देते हैं। अब वो रही बात अधिकारी लोगों की, तो जब लगाएंगे जनाब, आप अपने गांव के लोगों को भली भांति जानते होंगे, कौन मजबूर है, कौन सही है, कौन कैसा है, आप सबके हिस्ट्री को जानते होंगे। कुछ मजदूर ऐसे है जो केवल उसी पर निर्भर है कि आज हम काम करेंगे तो मेरे परिवार शाम तक भोजन करेगी और सोएगी। फिर मजदूरी आज कर रहे हैं और उनको मिल रहा है 20 दिन के बाद, 14 दिन, ये तो नियम है 14 दिन के बाद ही मिलना है, फिर इसके लिए क्या करें, 13 दिन मान लीजिए क्या करें इसके बाद। देखिए वो तो सही है ना, अब क्या है कि अब बारिश में काम बंद लगता है, मनरेगा का काम बंद लगता है, जो लायक है उसके उसको अपने तरफ से जो है सपोर्ट दिया जाता है। किस प्रकार का सपोर्ट करता है? जैसे जैसे ले लें राशन से ले लें, मतलब अब क्या होता है जब पैसे सपोर्ट दिया जाता है। चलिए आपने बड़े सूझबूझ की बात बताएं चैनल के माध्यम से, आपका धन्यवाद। इसी क्रम में इसी गाँव के लोग आप संसार बाबा को प्रधान प्रतिनिधित्व निभाने का एक तो अवसर दे दिए। हम पूछ रहे हैं भैया आप लोग की क्यों प्रधान इनको बनाए, और बनाए तो फिर आपने प्रतिनिधित्व किस प्रकार निभा रहे हैं, आप जनाब से बातें होंगी। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ खान है जी, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो काम इस 15 महीने 16 महीने में हुआ है अभी तक आज़ादी के बाद इतना लगभग टाइम काम नहीं हुआ, सबसे प्रधान ही नहीं। ये बड़े फख्र की बात कर रहे हैं भैया, आज़ादी को होना बड़ा समय था, कितना बहुत दिन बीत गया आज़ादी होते हुए, मेरे मेरे देश का आज़ाद, मेरे देश के लोग आज़ाद हुए, बहुत समय हो गया, लेकिन वहाँ से आज तक आप जना कह रहे हैं कि मेरे गांव में कोई विकास नहीं हुआ था, अब कैसे विस्तार से बताएंगे। अभी तक जो है पूरे गांव में, इतना बड़ा गांव है, नाली की समस्या थी, रोड सही था, हर जगह गड्ढे थे और मतलब कच्चा रोड था पूरा। तो अब की प्रधानी में जो है सबसे पहले काम प्रधान जी ने यही किया है कि सबसे पहले नाली को। भैया एक बात और बता दें, और लोग कहते हैं, मेरे द्वारा नहीं लोगों द्वारा यह कहा जा रहा है कि भाई कुछ विपक्ष आपके होंगे, पूर्व प्रधान होंगे, वो लोग कह रहे थे कि मेरे समय में इतना पैसा नहीं आता था, अब इस समय पैसा ज्यादा आ रहा है, तो फिर मेरी मजबूरी से आप कह रहे हैं अपनी बर्तन कर रहे हैं, अपनी बड़ाई कर रहे हैं, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए पैसा आने अनाने की बात अलग है, काम कराने वाला होना चाहिए। अगर मेरे पास 100 रुपये हैं तो मैं उसको मैनेज करूंगा कि मैं गांव के लिए उस 100 रुपये का क्या करूँ। अब किसी के पास 200 रुपये है तो वो सोचेगा कि इसमें से मैं कितना बचा लूँ। तो ये जो अब की मतलब प्रधान हमारे हैं ये बचाने काम नहीं कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि नरवा सरायन को फिर ये बचाने काम नहीं कर रहे हैं, फिर क्यों प्रधान बने हैं, इतना मतापटीसी क्यों की है? चुनाव में आप जानते ही हैं कि कितना दौड़ धूप लगाना पड़ता है, शायद इसमें धन का भी उपयोग करना पड़ता है, बल का भी उपयोग करना पड़ता है, फिर क्यों किए हैं इसको आप चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर दीजिए। देखिए ये जो हमारे प्रधान जी हैं इनका इतिहास, इनके घर वालों का इतिहास बहुत पुराना है, आप पीछे देखेंगे ट्रॉफी इतनी ज़्यादा लगी हुई है, तो ये सब इनकी मेहनत का है, कोई मतलब ये इनको वो शौक और ये लालच नहीं है कि हमको जो है पैसा चाहिए या नाम, इनको चाहिए कि हमारा गाँव है जो आए तो ये ना कहे कि नरवा सराय का प्रधान। इस ट्रैफिक की बात करेंगे जो आपने किस विषयों पर किस पुरस्कृत कैसे पुरस्कृत हुए हैं, कौन जनाब हुए हैं, ये दिखा दीजिए भैया कैमरा मैन साहब। अब बातें फिर आप नूरुद्दीन खान साहब से बातें होंगी, जो बातें आप जनाब से हुई है वही बातें फिर आपसे हम कहना चाहते हैं कि आप भैया प्रधान क्यों बने थे, क्यों इतना दौड़ धूप खर्चाएं वगैरह किए थे, क्यों किए थे, किस लिए? देखिए गाँव का सेवा करने के लिए। अरे सर गाँव का सेवा तो और भी सुविधा है, साधन है, उससे भी कर सकते हैं, यही एक तो पद पर आ जाएंगे तभी करेंगे। हाँ बिल्कुल, पद पे रहना, रह के कोई काम करना वो बिल्कुल अलग होता है। हाँ और रही पैसे कमाने की बात, तो जो लोग कह रहे हैं कि पहले कम आता था, अब मैं अब कह रहा हूँ कि अब कम आ रहे, 30% हमारा काट दिया गया, प्रधान का 30% काट दिया। कैसे इसको विस्तार बताइए? जैसे कि 15% जिला पंचायत को चला गया है, 15% ब्लॉक को चला गया है, प्रमुख जी को,
तो ये हमारा 30% कर दिया। हमें कोई भी कार्य जाना है तो 70% के अंदर ही जाना है। तो भाई अच्छा एक प्रश्न, छोटी सी प्रश्न रहेगी लेकिन मस्त प्रश्न रहेगी। ये जो 60 और 40 का रेशियो है, ये हर गांव में हम जाते हैं यही पूछते हैं, लेकिन मेरे प्रश्नों का किसी ने उत्तर सटीक और सही नहीं देते हैं। आप जानकार 60-40 का मतलब यही है कि 60% हम मनरेगा से काम करा रहे हैं तो 40% स्वीकृति मिल जाएगी हमें पक्का काम कराने की। अगर आप 60% करा रहे हैं मिट्टी का तभी आपको 40% हाँ, तो नहीं तो उस हिसाब से दे जाएगा। वो रूल है, रूल के खिलाफ हम जाएंगे नहीं भाई। आगे लोगों को सब लोग को भी देना है। आपको चैनल के माध्यम से बता दें कि शिक्षित बनना बहुत जरूरी है, इसलिए यहाँ आप जनाब द्वारा जितने भी बात शब्दों का आपने उच्चारण किए है बड़े बेखूबी बड़े बेहतरीन तरीके से आपने कम समयों में ज्यादा शब्दों का प्रयोग किए हैं, समझाने का आपने कोशिश किया। इसके लिए मैं चैनल के माध्यम से आप जनाब आपके गांव सभी ग्रामवासियों को धन्यवाद देता हूँ। अगर मेरे चैनल